Hey guys, चलिए एक बार आगे इसको फिर से हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का पहला लेक्चर आप लोगों के पास जा चुका था, ठीक है। सेकंड लेक्चर मैं भी भेजा, अभी मुझे थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इस वजह से मैं इसको यहीं से स्टार्ट कर रहा था। और एक बात बता देना चाहता हूँ, अब से अपनी जुबान पर कंट्रोल रखकर किसी भी टीचर को कुछ बोलिएगा, वरना याद रखिएगा मैं बैच से सीधे ब्लॉक कर दूंगा। और जो आपको करना होगा वो आप कर लीजिएगा, मुझे उसका कोई डर नहीं है। पहली बात वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट वार्निंग है, ठीक है। आपने मुझे खरीदा नहीं है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। और जो मन में आ रहा है, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो किसी को भी गाली दे दो। ये वही लोग होते हैं जिनको कुछ करना धरना नहीं होता, बस नौटंकी करते हैं कि हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग अगली बार से अगर किसी ने उल्टा सीधा कमेंट किया ना, सीधे ब्लॉक मारूंगा। जो करना होगा तुम जाके कर लेना और मैं भी देख लेता हूँ क्या कर लेते हो। इसलिए अपने दायरे में रहकर और तमीज के साथ क्लास अटेंड किया करो। नहीं करना मेरी क्लास छोड़ दो, जाके बहुत सारे टीचर मुझसे अच्छे अच्छे पढ़े, जाके पढ़ लो। आगे तमीज नाम की एक चीज नहीं है, आप लोगों को कैसे टीचर से बोलना चाहिए। नाम नहीं ले रहा हूं किसी का पर्टिकुलर, वरना आप लोग समझते हैं कि नहीं कुछ बोलता हूं तो जो मन में आएगा वो बोलेंगे। थोड़ा सा तमीज सीख लीजिए अपनी लाइफ में तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, तो जो पहला लेक्चर था, पहले लेक्चर ओल्ड वाले लेक्चर जो मैंने पुराना लेक्चर भेजा था, उसमें बस प्रोफार्मा आपको बताना था कि इंडिया किसका पार्ट माना जाता है। इंडिया हमारा जो है गुंडवाना लैंड का पार्ट्स था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग हुआ था, इस चीज के बारे में मैंने आपको बताया। और ये भी मैंने बताया था कि इंडिया जो है हमारा किसका किस गोलार्ध में आता है, नॉर्थ गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में आता है कि दक्षिणी गोलार्ध में आता है, अक्षांश रेखा के आधार पर। ये भी मैंने आपको डिस्कशन कर दिया था और ये भी बता दिया था कि किस कॉन्टिनेंट से अटैच्ड है, तो एशिया कॉन्टिनेंट से क्या है हमारा इंडिया अटैच्ड है। इतनी चीजों को मैंने आपसे जिक्र करके बता दिया था गाइस। आगे अब हम जो इंडिया के बारे में जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बेसिक चीजों को जानने वाले हैं कि अब इसमें नया क्या है। इंडिया में इस समय बहुत सारी चीजें बदली हुई हैं, तो उस बदलाव को भी हमें देखना होगा, इंडिया के बदलाव को देखना होगा कि इंडिया में क्या क्या चीजें बदल गई हैं, किन किन चीजों पर विशेष रूप से हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के छोटा सा बेसिक चीजों को ले लेते हैं। बेसिक चीजों को पहले यहां से हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया को ले रहे हैं, तो इंडिया का सबसे पहले थोड़ा सा एरिया देखते हैं कि इंडिया का एरिया क्या है, या हाँ इंडिया का एरिया देख लेते हैं। इंडिया का एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है, इंडिया के क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं, एरिया यानी इंडिया के क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इंडिया का क्षेत्रफल कितना है। अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है गाइस इसका, हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। इतने बड़े भूभाग क्षेत्रफल हमारा इंडिया क्या है, फैला हुआ है, इंडिया का विस्तार देखा जाता है। अगर वहीं मैं आपसे पूछूं कि प्रतिशत के हिसाब से बताइए, क्योंकि प्रतिशत के हिसाब से कई बार क्वेश्चंस आ चुका है, तो प्रतिशत के हिसाब से देखोगे तो 2.43% क्या है ये पूरे भूभाग पर फैला, पूरे विश्व के जो प्रतिशत है उसके पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के कितने, 2.4% भूभाग पर क्या है फैला हुआ है हमारा इंडिया। ये आंकड़ा कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो चलो एरिया भी देख लिए और इन सब चीजों के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब अगला एक प्रश्न उठता है कि सर इसका रैंक क्या है, रैंक का मतलब क्या होता है, आरैंक रैंक का मतलब होता है पोजीशंस। सर इंडिया एरिया के आधार पर किस पोजीशंस पर आता है, किस स्थान पर आता है, ये बड़ा हम लोग को बेसिक चीजों को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हो सातवें स्थान पर आता है, कितने, सातवां स्थान है इसका, ठीक है। अगर ये सर सातवां स्थान पर हमारा इंडिया आता है तो यहां से एक बात यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सर अभी PCS के ही एग्जाम में 2019 के एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपको यहां पर रिप्रेजेंट करके बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कभी काल की क्षेत्रफल के आधार पर क्रम लगाने के लिए पूछ दिया जाता है या डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सातवां स्थान है, तो एक कोड मैंने इसका कोड बनाया है, वो कोड क्या है एक बार ध्यान रखिएगा, इसको याद करना चाहिए। इसको अगर आप क्रम से याद करना चाहते हो तो इसका क्रम का मैंने कोड बना रखा है, COD कोड इसका जो है वो क्या है वो जान लो। इसका जो कोड है गाइस, इसके कोड को कहा जाता है RQR CU,
RCCU को क्या कहते हैं, रक्कू कहा जाता है, और नीचे अगर देखा जाए तो BAI को बाई कहते हैं, यानी कुल मिलाकर जो कोड का जो फॉर्मेशन हो गया वो हो गया रक्कू बाई हो गया। क्या हो गया गाइस, रक्कू बाई हो गया, कुल मिलाकर कोड का क्या हो गया फॉर्मेशन, रक्कू बाई हो गया। चलो देख लेते हैं, आर से देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा आता है गाइस, रशिया आता है, कौन सा आता है, रशिया आता है। सी से क्या होता है, रशिया के बाद कनाडा होता है, सी से कनाडा लिख लेंगे। सी के बाद फिर क्या होता है हमारा, चाइना होता है। अब इस पर भी आप लोगों की कमेंटबाजी होगी कि सर चाइना पहले होगा कनाडा बाद में होगा, तो एक बार बता रहा हूं कनाडा पहले नंबर पर होगा, ये बात ध्यान में रख लेना, बाकी किसी किताब की मैं नहीं जानता हूं। यू से क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, याद रखिएगा यूएसए हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्राजील हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। और आई से क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, यानी इंडिया कितने स्थान पर आता है, सातवें स्थान पर आता है, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहीं से अगर आपके कभी भी प्रश्न बन जाए ऐसे दे दे कि क्षेत्रफल के आधार पर क्रम लगाइए, उसमें इंडिया आ रहा है और चार देशों के नाम दिए गए हो, तो आप रक्कू बाई को याद रखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए वहीं अगर और एक दो चीजों को देखा जाए तो क्या देख सकते हैं, और एक दो चीजों को देखा जाए तो हम यहाँ जनसंख्या के बारे में देख लेंगे। जनसंख्या को लेकर देखा जाए कि इंडिया का कौन सा पोजीशन है, तो जनसंख्या के आधार पर इसका कौन सा आता है, सेकंड रैंक आता है, कौन सा आता है भैया, सेकंड रैंक आता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर क्या है, सेकंड रैंक देखा जाता है इंडिया का, और कहा जाता है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो ये माना जाता है कि आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में या 5 सालों में इंडिया क्या करेगा, पहले पोजीशंस पर आ जाएगा। और जनसंख्या नियंत्रण करने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, क्योंकि यह माना जाता है कि किसी भी देश की बर्बादी का या उसके विकास का जो सबसे बड़ा रुकावट होता है वो जनसंख्या होता है। अगर हमारे पास जनसंख्या एक नियंत्रित जनसंख्या होगी तो उस नियंत्रित जनसंख्या के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, हम अपने देश को डेवलप कर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जनसंख्या पर बहुत सारी, इसलिए हर 10 साल पर जनसंख्या कराई जाती है ताकि एक आंकड़ा देखा जाए और चीजों को ऐसे किया जाए। तो जनसंख्या के आधार पर सेकंड रैंक आता है, ये मैं जो बता रहा हूँ एक सिंपल सी फॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूँ, जो आपको बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर चीजों को होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात अगर किया जाए इंडिया को लेकर, ये तो पहला हो गया कि क्या क्या चीज हमको पता थी। ठीक, ये एरिया हमको पता चल गया, इंडिया का एरिया कितना है, क्या है क्या नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात हम इंडिया के बारे में ये भी जान लेते हैं, इंडिया का उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व, यानी उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या है कि हमारी जो ये इंडिया है, इंडिया का इस तरीके से देखा जाए उत्तर से दक्षिण की तरफ देखा जाए, उत्तर से दक्षिण देखा जाए, या फिर कह लें तो ऐसे देखा जाए, इस तरीके से देखा जाए, तो ये हमारा गाइस क्या बनता है, ये हमारा नॉर्थ हो गया। आज मैं आप सही से नहीं बन पाया, जल्दीबाजी में बताया हूं, ये हो गया नॉर्थ, साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया गाइस, ईस्ट हो गया। यहां से भी कभी काल कथन काल के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अगर नॉर्थ टू साउथ देखा जाए तो कितना आता है बताइए, यहां से आता है ये जो होता है इसकी जो लंबाई होती है वो 32-14 किलोमीटर होती है, कितनी होती है 32-14 किलोमीटर, और जो पश्चिम से जो पूर्व की लंबाई होती है वो होती है 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर होती है, याद रखिएगा। ये दोनों प्रश्न आपके कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोगों को तैयार रखना होगा। उत्तर से दक्षिण में इसकी जो लंबाई है वो 32-14 किलोमीटर है, और जो पूर्व से जो पश्चिम में इसकी लंबाई है 29-33 किलोमीटर है, भारत की, याद रखिएगा क्या है, भारत की, इस तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपके गाइस बनते हैं। तो यहां से हम लोग दिख लेंगे नॉर्थ से, नॉर्थ NORTH, नॉर्थ से साउथ, साउथ की जो लंबाई है, लंबाई यहां पर देख लेते हैं। उसके बाद अगला क्या पूछा है, वेस्ट टू ईस्ट की देख लेते हैं, वेस्ट टू ईस्ट की अगर लंबाई देखी जाए, वेस्ट टू ईस्ट की अगर लंबाई देखी जाए तो वेस्ट से ईस्ट की लंबाई कितनी होती है, तो वो भी हमने आपको बता रखा है। तो नॉर्थ टू साउथ की लंबाई जो हो जाएगी वो गाइस कितना हो जाएगा, 32-14 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और वेस्ट टू ईस्ट की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 29-33 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस पर भी थोड़ा सा आपको फोकस्ड करना पड़ेगा, इन चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी एक लोग का कमेंट ये भी था कि सर 70% ये हमारा तैयार है बेटा, पढ़ा करो। 70% कितना तैयार है ये मैं भी जानता हूँ, अभी पढ़ रहे हो ना, अभी देख लेना कि क्या क्या नया मिल रहा है, कितना तुम्हें पता था कितना नहीं पता था, ये बात तुम्हें पता चल जाएगी अभी।
ठीक है, अब मैं किसी को बोलूंगा नहीं, सिंगल पर्सन अगर किसी का कमेंट आया सीधे ब्लॉक मार के काम खत्म करूंगा। एक बात ध्यान रखना, जो करना होगा ना वो कर लेना तुम मेरा, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आप बदतमीजी से उतर कर बात कर रहे हो किसी गुरु से तो फिर गुरु भी सीधा नहीं है, एक बात याद रखे रहना, इसलिए ध्यान से रखना इस चीज को। चलो तो ये इतना क्लियर हो गया, इसको समझ गए होगे अच्छे से, याद रखेगा। अब इंडिया में दो तीन चीजें जिस बार चेंज हुई है, अब थोड़ा सा उसको देखते हैं। कुछ चीजें इंडिया के संशोधित किए गए हैं, कुछ चीजों को मतलब चेंज किया गया है। अगर हम स्टेट की बात करें, यहां से स्टेट भी देखना पड़ेगा, एसटीएटी स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्य की बात है, राज्य को लेकर देखा जाए। और दूसरा क्या देखा, पहले राज्य को देख लेते हैं। अगर हम स्टेट यानी राज्य की बात करते हैं भारत, ठीक है, भारत जो स्टेट की बात करते हैं, तो आपको एक चीज पता होगा, आर्टिकल फर्स्ट में क्या कहा गया है, इंडिया भारत मतलब कहा गया है कि जो हमारा इंडिया है वो राज्यों का क्या है, संघ है, ठीक है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है, ठीक है। आर्टिकल वन में क्या कहा गया है कि जो हमारा इंडिया है वो राज्यों का क्या है, राज्यों का संघ है, यही डिनोट किया गया है सीधी सीधी भाषा में। आर्टिकल फर्स्ट में क्या किया गया है, इंडिया के राज्यों के बारे में बताया गया आर्टिकल फर्स्ट में कि जो हमारा इंडिया है भारत अर्थात इंडिया, इसे पूरा लिखा गया भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का क्या माना जाता है, संघ माना जाता है, राज्यों के संघ के नाम से डिनोट किया जाता है। और इस संघ में देखा जाए, पूर्व की बात करते हैं, अगर पूर्व में देखा जाए, पूर्व में तो हमारे पास पूर्व में कितने राज्य थे, 29 राज्य थे हमारे पास पूर्व में, कितने राज्य थे, 29 राज्य थे, कितने राज्य थे पूर्व में, 29 राज्य थे। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए, हमारे पास वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में क्या किया गया था, वर्तमान में क्या किया गया था कि आपको जो जम्मू एंड जो कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जिसे 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया, इसको संशोधित कर दिया, संशोधित किया गया। क्या संशोधित किया गया बेटा, इससे किस चीज को संशोधित किया गया, तो सर आर्टिकल 370 को किया गया था, आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया, फर्स्ट ए को क्या कर दिया गया, संशोधित किया गया। और संशोधित करने के बाद जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य के रूप में जाना जाता था, अब वह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने लगा। तो अब अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो हमारे स्टेट आते हैं, वर्तमान जो स्टेट की हमारी जो संख्या है वो पहले 29 थी, पर अब कितनी हो गई है, अब 28 हो गई है। बात एकदम क्लियर समझ में आ गया, यहाँ पे इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। पूछा जाए कि कैसे 28 राज्य हो गए, तो आप कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को पहले हम राज्य के रूप में डिनोट करते थे, राज्य के रूप में रिप्रेजेंट करते थे, और वहां पर दोहरी नागरिकता था क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अलग अपना संविधान हुआ करता था। तो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लोगों का संविधान था, एक तो उसकी नागरिकता प्राप्त थी, भारत की नागरिकता प्राप्त थी। जम्मू कश्मीर को अपना एक अभिन्न अंग माना जाता था, लेकिन पूर्ण रूप से वो हमारे भारत के अनुसार कार्य नहीं करता था। इसलिए 5 अगस्त 2019 को क्या किया गया था कि एक मतलब उससे पहले विधेयक लाए गए थे दो तीन बार, उस विधेयक को पारित करा के आर्टिकल 370 को संशोधित कर दिया गया और इसे केंद्र शासित रूप प्रदेश के रूप में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। तब से भारत में 28 राज्य हो गए, ठीक है, 28 राज्य हो गए। अब यहाँ पर गाइस हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश को लेकर, केंद्र शासित प्रदेश को लेकर देख लेते हैं, किसको, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस तरह केंद्र शासित प्रदेश को लेकर क्या आपके मन में विचार है, इसमें भी कुछ संशोधन हुआ है कि नहीं संशोधन हुआ है, याद रखिएगा। ये न्यू डाटा मैंने बताया है, ये न्यू डाटा है, याद रखिएगा न्यू डाटा, ठीक है, ये न्यू डाटा है। बहुत लोग इसमें तेज तरार होंगे, स्टूडेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, उनको ऑलरेडी पहले पता होगा, ठीक है। तो ब्रिलियंट स्टूडेंटों के लिए ये हमारे डाटा नहीं, जिनको पता है पता है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहले अगर देखा जाए तो पहले हमारे पास जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो कितने थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है, 7 हो गए थे। फिर क्या हुआ, 7 के बाद इसमें वर्तमान में जोड़ा गया, वर्तमान में इसको कर दिया गया, तो भैया वर्तमान में हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, 2 लाख, इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया था लद्दाख और कश्मीर में, तो हमारे पास 7 हो गए थे और प्लस 2 हो गए थे, 2 इस तरह कितने हो गए थे, 9 हो गए थे। और 2 में ये कौन कौन से 2 में नए नए जुड़े थे, एक तो गाइस आपका जुड़ा था लद्दाख, जुड़ गया था लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, और जो गाइस दूसरा जुड़ा था वो कौन सा था गाइस, हमारा
कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये जो दोनों के दोनों हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश थे इनको साथ में जोड़ लिया गया था, तो टोटल हमारे पास 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन भारत सरकार इन दिनों भारत के राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में अत्यधिक बदलाव किया। वही क्या हो गया था, वही यहाँ पर एक डेट देखा गया, एक डेट आता है जिसका नाम होता है, एक डेट है, इस डेट को कहा जाता है 26 जनवरी 2020। शायद मेरा डेट सही है, जहां तक कोई मिस्टेक होगा तो बता दीजिएगा कमेंट करके। मुझे जहां तक याद है 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया था, 2020 को क्या किया गया था, दमन वह दीव ठीक है, दमन वह दीव प्लस दादर नागर हवेली, क्या भैया, दादर नागर हवेली, ये दो ना अलग अलग राज्य, ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश, क्या थे, दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने जाते थे। जो दमन और दीव था वो आपके गुजरात राज्य से बिलोंग करता था, सिंपल सी भाषा में गुजरात राज्य से बिलोंग करता था, और जो दादर नागर हवेली था वो महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करता था, ठीक है, इससे महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करता था, दो अलग अलग थे जिसमें ये इंक्लूड थे, तब 9 हो गए थे, ठीक है। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, दर्शन छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश थे तो यहाँ भी लोग थे और यहाँ भी लोग थे, क्षेत्र बड़ा था और चीजें कम थी, तो चीजों को व्यवस्थित करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कर दिया गया था, इन दोनों को जोड़ दिया गया, इन दोनों को क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, तो इनको विलय कर दिया गया, ठीक है, इनका क्या किया गया, विलय किया गया, विलय किया गया मतलब क्या, जोड़ दिया गया, विलय किया गया, याद रखिए, इनका क्या कर दिया गया, विलय किया गया, और विलय करके दमन दीव और दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब जो आपके पास वर्तमान जो आपके पास केंद्र शासित प्रदेश हो गए, अब इसमें से हटा देना और लिख देना कि अब जो आपके पास केंद्र शासित प्रदेश थे, पहले 9 थे, अब उसमें से 2 को 1 कर दिया गया, तो अब 2 हटाने के 1 कर दिया गया, तो माइनस कर दो 1, तो कितने हो जाएंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश अब आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास कितने हो गए हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, इन दोनों को 1 कर दिया गया है, तो कितने हो गए भैया, न्यू डाटा लिख देते हैं, न्यू डाटा, ये भी जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जो टीचर को गाली देते हैं, ये उनके लिए प्रश्न याद रखिएगा, ये दिया है, ठीक है। तो 8 न्यू डाटा हो गया, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश अब आपके हो जाएंगे यहाँ पर। इतना डाउट क्लियर हो गया, ये सब छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं जिनको हमें आपको बताना था, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीजें इंडिया के प्रोफार्मा में बदला हुआ है, तो इसको फटाक से कवर कर लो, तब मैं आगे की और चीजों को बताता हूँ, जल्दी से कवर करो फिर मैं आगे भी बताता हूँ। चलिए मैं इनका मैसेज पढ़ ही देता हूँ, देखिए इनका नाम है विजय सिंह नाम है, इन्होंने मैसेज क्या किया है देख लीजिए, इन्होंने मैसेज किया है कि सोच लीजिए इतना सुनने के बाद भी नहीं मानिएगा, जानते हैं फ्रस्ट्रेट हैं लाइफ से आप। इनका नाम विजय सिंह है, इन्होंने काफी गाली बकी मेरे लिए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपके लिए। देखिए इनका मैसेज भी अभी शो कर रहा है मेरे मोबाइल पर, अभी मैसेज तुरंत भेजे हैं, मैं क्लास ले रहा हूँ तुरंत मैसेज आया, ऐसे मान भाव लोग हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया, इसको पूरा सेशन को कम्प्लीट करो फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए इस पूरा सेशन को कम्प्लीट कर लो फिर आगे बढ़ता हूँ। छोटे छोटे चीजों को तैयार कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है, पूछ दिया जाएगा रिलेवेंट चीजों को लेकर, तो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। चलो ये पूरा हो गया, इसको फटाक से कंप्लीट कर लो, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलो अब इसको हटाते हैं। कल ये पूरा टॉपिक समाप्त कर दूंगा, कल तक याद रखिएगा, कल या परसों तक ये सामान्य परसों वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा, कोई इसमें चीजें बचेंगी नहीं आपको लेकर। चलिए तो अब हम लोग ये चीजों को जान लिए, अब थोड़ा सा भारत के प्रारूप को समझ लेते हैं कि भारत का विस्तार देख लेते हैं किस फॉर्म पे विस्तार है। भारत अगर इंडिया की हम बात करें गाइस, अगर इंडिया की हम बात करें, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, वही चल रहा है इंडिया की, अगर हम बात करें, ठीक है, इंडिया की बात करें, तो जो हमारा इंडिया है वह दो तरीकों से घिरा हुआ है। इंडिया जो है हमारा दो तरीकों से क्या है, घिरा हुआ है। ये इसका जो ऊपरी हिस्सा है, इंडिया का जो नॉर्थ साइड है वो लैंड से घिरा हुआ है, जबकि इसका जो साउथ एरिया है वो तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। तो यहां पर दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी, यहां पर देख लेते हैं। इंडिया का जो नॉर्थ है, इन नॉर्थ, सिंपल सी भाषा में लिखेंगे इन नॉर्थ,
अगर इन नॉर्थ में देख लिया जाए या इन साउथ देख लिया जाए, इन साउथ में देख लिया जाए, तो हमारा जो इंडिया है इन नॉर्थ में देखा जाए तो नॉर्थ में ये सब क्या है, ये अस्थल है, ये लैंड फॉर्म है, तीन तरफ किससे घिरा हुआ है, तीन तरफ अस्थल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहां देख लेंगे लैंड से घिरा है, लैंड से घिरा है, लैंड से घिरा है, याद रखिएगा, ठीक है, लैंड से क्या है घिरा हुआ है, या चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। इन साउथ में देखा जाए तो जल से घिरा है, इससे घिरा लिया, जल से घिरा हुआ है, ये चीजें ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहां लैंड से घिरा हुआ हो जाएगा, घिरा है, और ऊपर देखा जाए तो नीचे जल से घिरा है। लेकिन एक चीजें है याद रखिएगा, ठीक है, तीन तरफ, यानी कि यहां लिख दीजिएगा लैंड से तीन तरफ से, यहां लिख दीजिएगा तीन तरफ से, तीन तरफ से, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तीन तरफ से का मतलब क्या, एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ, तीनों तरफ से घिरा हुआ कौन सा साइड है, नॉर्थ साइड कहलाता है। वही अगर साउथ साइड देखा जाए तो तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, यानी लिख लेंगे तीन तरफ जल से घिरा है, तीन तरफ से किससे घिरा है, जल से घिरा हुआ है। ये दो चीजें यहां पर समझनी पड़ेंगी। लेकिन जो तीन तरफ का जो शब्द आया है, यहां इसको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा मैं, जो तीन तरफ जो शब्द आया है इसको हमें क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। अब हम यहां पर देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं इंडिया को तीन पार्ट्स में हम यहां पर देखेंगे। एक हम देखेंगे वेस्ट साइड, वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड यानी पश्चिमी तरफ से देखा जाएगा, फिर वेस्ट साइड के बाद देखा जाए ईस्ट, ईस्ट साइड देखेंगे हम, ईस्ट साइड यानी पूर्व क्षेत्र में देख लेंगे, और उसके बाद देख लेंगे साउथ साइड देख लेंगे, किसके साउथ साइड देख लिया जाएगा, साउथ साइड में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से, आपके एक नंबर का क्वेश्चन यहां से हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको हम यहां पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर वेस्ट साइड से देख लिया जाए तो वेस्ट साइड में यानी इस एरिया में किस जंगल क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है, तो ये जो पूरा एरिया कहलाता है गाइस, इसे कहा जाता है अरब सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, अरब सागर कहा जाता है। तो हमारा भारत पश्चिम में किससे घिरा हुआ है, अरब सागर से घिरा हुआ है। तो गाइस यहां लिख लो अरब सागर, लिख लो, ये हो जाएगा अरब सागर, हो जाएगा अरब सागर से घिरा हुआ। ईस्ट साइड में यानी पूर्वी क्षेत्र में देखा जाएगा तो किससे घिरा हुआ है, तो सिंपल सी भाषा में बोल दो बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से घिरा है, बंगाल की खाड़ी से विस्तार पाया जाता है। इसके पूर्व में किसका विस्तार है, बंगाल की खाड़ी का विस्तार है गाइस। तो यहां हम लोग लिख लेंगे बंगाल की खाड़ी का विस्तार है, सिंपल सी भाषा में बंगाल की खाड़ी का विस्तार हो जाएगा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी का विस्तार हो जाएगा। और साउथ साइड में देख लिया जाए, ये वाला पोर्शन देखा जाए गाइस, तो यहां किसका विस्तार आता है, यहां हिंद महासागर का विस्तार आता है। तो ये गाइस हो जाएगा आपका हिंद महासागर। तो साउथ साइड में अगर देखा जाए तो साउथ साइड में क्या होता है, हिंद महासागर होता है, हिंद महासागर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। अब यहां से दो या तीन प्रश्न आपके एग्जाम्स में बहुत तगड़े पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चंस क्या बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं, और बना भी है लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने भी हैं यहां से। अगर हम अरब सागर पढ़ रहे हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा अरब सागर का एरिया हो गया, यहां पर पढ़ रहे हैं ये हिंद महासागर हो गया, और ये क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया। दर्शक इस पार्ट को प्रायद्वीप भी कहा जाता है, इस पार्ट को अगर देखा जाए इस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोला जाता है, प्रायद्वीप यानी इंग्लिश में कह रहे हैं इसे पेनिनसुला कहा जाता है, पेनिनसुला कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, प्रायद्वीप का नाम दिया गया है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है गाइस, प्रायद्वीप कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो अब एक प्रश्न क्या बनता है कि अरब सागर से क्या क्या चीजें रिलेट करती है, क्या क्या चीजें बिलोंग करती है, वो हमें यहां से जानना पड़ेगा। तो हम बहुत सारी चीजों को यहां से समझेंगे, चलिए उसको बाद में समझाएंगे, पहले यहां समझ लीजिए। अरब सागर से कौन कौन से राज्य टच करते हैं, इंडिया के कौन कौन से राज्य टच करते हैं, राज्य देखा जाए, ये सब है क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो अरब सागर भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं और बने भी हैं, खासकर कि आपके जेईई के पीसीएस जेईई के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, वंस से टू टाइम ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अरब सागर जो है भारत के किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले अगर देखोगे तो सबसे पहले जो करता है वो कौन सा आ जाता है, गुजरात हो जाता है, गुजरात से सीमा साझा करता है। गुजरात के बाद किससे सीमा साझा करता है, अपनी महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
महाराष्ट्र के साथ किसकी सीमा साझा करता है गाइस? तो ये अपनी कर्नाटक के साथ, कर्नाटक के बाद किसका करता है गाइस? तो गोवा करता है, ठीक है। और गोवा के बाद किसके साथ करता है? केरल के साथ करता है। ये भारत के ऐसे राज्य हैं, ये भारत के ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं अरब सागर से क्या करती हैं? टच करती हैं। ये भारत के ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं क्या करती हैं? अरब सागर से टच करती हैं। देख लो, यहां पर मैं जी लिख देता हूं, गुजरात हो जाएगा। यहां पर एम एच लिख देता हूं, महाराष्ट्र हो जाएगा। जी ओ ए गोवा हो गया, के आर से कर्नाटक हो गया, और के ई से केरल हो गया। तो इतने को ये टच करता है, ठीक है। इतने को ये क्या करता है? टच करने का काम करता है। वहीं अगर देखा जाए कि बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी से लगे हमारे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो आ जाएगा वो बंगाल आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग बंगाल, लिख लेंगे बंगाल से टच करता है। बंगाल के बाद दूसरा गाइस कौन सा आ जाएगा? उड़ीसा आ जाएगा। तो हम लोग उड़ीसा को टच कर लेंगे, यहाँ पर उड़ीसा को आता है। उड़ीसा के बाद जो अगला आता है वो कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश होता है। तो क्या लिख लेंगे गाइस? आंध्र प्रदेश वाला टिक कर लेंगे कि आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और आंध्र प्रदेश के बाद जो अगला बचेगा गाइस वो कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। तो गाइस देख लेंगे तमिलनाडु कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तमिलनाडु कर लेंगे। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं किससे किससे करता है, क्लियर हो जाएगा। पर्यटक से दिखा देता हूँ, यहाँ पर बी से मैं लिख देता हूँ आपका बंगाल हो जाएगा, ओ आर से उड़ीसा हो जाएगा, ए पी से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और टी एन से तमिलनाडु हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ये वाला पूरा का पूरा आपका केरल हो गया और ये पूरा एरिया आपका तमिलनाडु हो गया। याद रखिएगा, जो तमिलनाडु का जो पूरा का पूरा एरिया है, तमिलनाडु का जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा किसको पूर्ण रूप से टच करता है? तो अब बन जाएगा अपना हिंद महासागर से मिलकर, इससे बनेगा गाइस हिंद महासागर से बनेगा। तो हिंद महासागर जो टच करता है वो बस एक राज्य को टच करता है, और वो राज्य कौन सा होता है? तमिलनाडु होता है। देखना यहां से क्वेश्चन बना है, तमिलनाडु होता है, ठीक है, तमिलनाडु से टच करता है। ठीक, पूछा जाए हिंद, ऐसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा राज्य है, बहुत ध्यान समझिएगा, वह कौन सा राज्य है। अब तमिलनाडु की कई सारी यहां से विशेषताएं निकल कर आएंगे, ठीक है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो तीनों जलीय क्षेत्रों को टच करता है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तो वो तमिलनाडु है जो तीनों जलीय क्षेत्रों को टच करता है। लेकिन हम यहाँ पर दो चीजों बताएंगे, यहाँ दो चीजों को डिफाइन कर देते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो बातें हैं, एक बात यहाँ लिखेंगे, एक बात यहाँ लिखेंगे। सबसे पहली बात क्या लिखते हैं? कन्याकुमारी। तमिलनाडु में एक क्षेत्र आता है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अभी आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कन्याकुमारी से एक बात यहां से निकल कर आती है। क्या? कन्याकुमारी एक हिंद महासागर में स्थित एक तमिलनाडु का ही छोटा सा क्षेत्र है, जिसकी विशेषता यह है कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों की धाराएं, तीनों की धाराओं का मिल बिंदु, का मिलन बिंदु कहा जाता है। तो यहां लिख लेंगे इसको अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है भैया, बंगाल की खाड़ी वह हिंद महासागर की, वह हिंद महासागर की मिलन बिंदु है, कि मिलन बिंदु है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कन्याकुमारी कभी भी पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा जगह है या वह कौन सा राज्य है जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों की मिलन बिंदु कहा जाता है, तो वो हमारी आती है कन्याकुमारी। गाइस ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहिएगा। और कुछ इंटेलिजेंट हमारे यहाँ बॉयज होंगे जिनको ऑलरेडी वो सब ये सब पढ़ चुके हैं, सब छोटी छोटी चीजें वो पढ़ते ही है, इसलिए वो अभी आईएएस आईपीएस पद पे सब बैठे हुए हैं, ठीक है। ये आपका सेगमेंट तैयार हो गया, ठीक है। अब तमिलनाडु क्या है? तो तमिलनाडु लिख लीजिएगा कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों क्षेत्रों को टच करता है, ठीक है। यहां लिख लीजिएगा अरब सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी वह हिंद महासागर, हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र को स्पर्श करता है, के जलीय सीमाओं को, के जलीय सीमाओं से लगा है, के
जलीय सीमा से कि जलीय सीमा से लगा है कि जलीय सीमा से लगा है, ये आपको इतने पॉइंट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कई बार आपके एग्जाम्स में यहाँ पर पूछा जाता है। एक चीज छूटा हुआ है गाइस, मैं उसको यहाँ पर बना देता हूँ, जिसे श्रीलंका कहा जाता है। रावण ने भगाने का काम इसी ने शुरू किया था, चालू भगाने का काम जो है इसी ने शुरू किया था, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, याद रखिएगा। इसको उतारिए फटाक से, करिए जल्दी करिए। चलिए हो गया, इसको कवर करिए। अब इसके साथ ही साथ गाइस कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको देखना है, खाड़ी को लेकर। दरअसल खाड़ी, खाड़ी का हमने दो चीजों में बताया था, इसको बे भी कहा जाता है और गर्फ भी कहा जाता है। अब उससे मत पूछना कि सर इसका मतलब समझाइए, और भी समझा चुका हूं पिछले वीडियो में। दरअसल सीडीएस की बात करता हूं मैं, सीडीएस और एनडीए की बात कर रहा हूं, एनडीए। दरअसल सीडीएस 2018 में, सीडीएस 2018 में और एनडीए 2019 में, इससे एक प्रश्न दे दिया था आपके यहां, खाड़ी से एक प्रश्न पूछा गया है। अभी तक शायद हमारे एग्जाम्स में सिविल लेवल पर तो आए हैं, पर वनडे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए। बिल्कुल भारत में कुछ खाड़ियां भी देखने को मिलती हैं। अब वो कौन कौन सी खाड़ियां हैं, जरा सा हम देख लेते हैं कौन कौन सी खाड़ियां देखने को मिलती हैं। जैसे ये वाला अगर क्षेत्र देख रहे हो, जिसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक ये वाला क्षेत्र देख रहे हो जिसे मैं यहां पर इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, एक यहां पर आप क्षेत्र देख रहे हो जिसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक क्षेत्र यहां पर आपका हो जाएगा, एक क्षेत्र आप यहां पर देख रहे होंगे, ये आपका एक क्षेत्र हो जाएगा, ये सब के सब आपके क्षेत्र हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो अब देखो, अगर देखें कुछ चीजों को तो क्या है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कच्छ का रण कहा जाता है, कच्छ की खाड़ी कह रहे, कच्छ की खाड़ी कही जाती है इसको, बहुत प्यार से समझना, कच्छ की खाड़ी कही जाती है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको खंभात की खाड़ी कही जाती है, खंभात की खाड़ी कही जाती है। तो ये हो गया है, खंभात की खाड़ी हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, दोनों को लिख लेते हैं। यहां लिख लेंगे हम कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और नीचे वाले को क्या लिख लेंगे, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी लिख लेंगे। ये दो क्वेश्चंस आपके यहां से बहुत अच्छा बनता है, इसको भी आपको दिमाग में क्या करना होगा, रखना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला प्रश्न बनेगा, किस राज्य से दोनों खाड़ियां बिलोंग करती हैं, किस राज्य से दोनों खाड़ियां बिलोंग करती हैं। तो आप सीधे सीधे कहोगे भाई गुजरात से बिलोंग करती है, किससे बिलोंग करती है भैया, गुजरात से, पहली बात। दूसरा बात, आपको पता होगा जब अभी आगे के लेक्चर में पढ़ोगे, जब हम द्वीप तटीय पढ़ाएंगे, तो जो भी हमारे भारत के ऐसे राज्य, ऐसे तटीय राज्य हैं जो सागरों को या खाड़ियों को टच करते हैं, उनके तटों का नाम रखा गया, जैसे कोरोमंडल का तट, मालाबार का तट, कंकर तट, कुंकर तट, ऐसे नाम दिया गया है। तो एक क्वेश्चन बनता है, किस तट से बिलोंग करता है, अगर तट पूछ ले किस तट से बिलोंग करता है, तो प्यार से कहना कठियावाड़ तट, कठियावाड़ तट से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, कठियावाड़ तट से बिलोंग करता है। पूछा जाए किस सागर से बिलोंग करता है, देखो कितने क्वेश्चंस बने आज, तीनों क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन करा दिए, किस सागर से बिलोंग करता है, तो सिंपल से कह देना भैया अरब सागर से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, अरब सागर से क्या करता है, बिलोंग कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन इससे बड़ा अच्छा बनता है, जो बहुत ही बढ़िया है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका एक इससे बनता है, मुझे भी याद आ गया। क्या देखो, यहां पर एक देखा जाए और यहां पर देखा जाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, जान लो। इसे दीव कहा जाता है और इसे दमन कहा जाता है। तो पूछा गया है कि दीव व दमन के बीच का जो जलीय क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, खंभात की खाड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा, दमन व दीव के बीच का क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है, यह लिख लीजिएगा, दमन व दीव
ऐसे लिख लीजिए, दमन हुआ दीव, दीव इसी खाड़ी से संबंधित है, इसी खाड़ी से क्वेश्चन आया है, देख लीजिएगा, इसी खाड़ी से संबंधित है, संबंधित है, संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जाकर देख लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ये दोनों क्लियर करा दिए। उसके बाद गाइस अगला जो बनेगा यहां पर, इसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहा जाता है, क्या कहते हैं गाइस, इसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। तो यहां का पॉइंट्स करके लिख लेंगे मन्नार की खाड़ी, यहां लिख लेंगे मन्नार की खाड़ी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपकी गाइस क्या, मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। तो इसको प्यार से लिख लीजिएगा भैया, मन्नार की खाड़ी लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी लिख लीजिएगा। अब मन्नार की खाड़ी से क्या क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य से बिलोंग करता है, तो सीधे सीधे भाषा में कहना तमिलनाडु से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, तमिलनाडु से बिलोंग करता है। अगर तट पूछ लिया जाए किस तट से बिलोंग करता है, तो सीधे सीधे कह देना कोरोमंडल से, कोरोमंडल से बिलोंग करता है, सीधी सीधी भाषा में कोरोमंडल तट से। किस सागर से बिलोंग करता है, किस महासागर से, तो सीधी सीधी भाषा में कह देना हिंद महासागर से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा पूछा जाता है, तो क्लियर हो गया, हिंद महासागर का क्लियर हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक में, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, इस चीज को भी याद रख लीजिएगा। चलिए इसको फटाफट से कॉपी करिए, तो गर्मी बहुत हो गई है इसमें, चलो मन्नार की खाड़ी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, चलो या एक क्वेश्चन और बन जाए। देखो ये देखा जाए तो इंडिया का साउथ कहलाता है, तमिलनाडु के दक्षिण में, और ये श्रीलंका है, क्या है, श्री एस आर आई एल, श्रीलंका। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाए, श्रीलंका का ये नॉर्थ हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर कभी भी मन्नार का खाड़ी ऐसे पूछा जाए तो दो चीजों को याद रख लेना, क्या, एक तो यहां लिख लेना तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु कर लेना, और यहां कर लेना श्रीलंका। अब देखो कैसे दो क्वेश्चंस बनेगा, तमिलनाडु का जो है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु के दक्षिण में, तमिलनाडु के दक्षिण में, और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में, क्या है, मन्नार की खाड़ी का विस्तार देखा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि बताइए कि मन्नार की खाड़ी का विस्तार है तमिलनाडु के दक्षिण और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में, या उत्तर पूर्व में, या दक्षिण पश्चिम में, तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार पाया जाता है, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद अगला जो आता है, मैं वहां लिखूंगा उसको, आपको यहाँ कॉपी पर देख लीजिएगा, इसको मिटा लेंगे, ठीक है। चलिए इसको जो देखा जाता है, इसे कहा जाता है पाक की खाड़ी, पाल्क की खाड़ी कहा जाता है, पी ए एल के, पी ए एल के, पाल्क की खाड़ी कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं गाइस, पाल्क की खाड़ी कहा जाता है, पाल्क की खाड़ी लिख लीजिएगा, ठीक है। यह भी किस राज्य से बिलोंग करता है बेटा, राज्य अगर पूछेगा तो राज्य सीधे सीधे बता देना, तमिलनाडु से, तमिल नाडु से बिलोंग करता है। तट पूछा जाए तो तट में क्या बोलोगे, तो तट में सीधे सीधे कहना भैया कोरोमंडल से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, कोरो मंडल से बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल से बिलोंग कर लेता है। और उसके बाद अगर अगला पूछे किससे बिलोंग करता है, तो खाड़ी पूछेगा तो कह देना भैया बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं, और आ गया बंगाल की खाड़ी, सिंपल से ये भी हिंद महासागर से टच करेगा, और विश्व का सबसे बड़ी बे कहता है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जाना जाता है। तो ये जो आज का था आपकी क्लास का सेशन था, जिसके बारे में मैंने आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया, ठीक है। हर एक छोटी छोटी बात जहां से क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको पढ़ाया। अभी जल्दी ही इसी सामान्य पर्चे में मैं आपको नया पढ़ाने वाला हूं, भारत चीन विवाद, भारत नेपाल विवाद, और भारत पाकिस्तान विवाद। जब हम आपको पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध साझा कराएंगे, कल ये लेक्चर का, कल इस लेक्चर के काफी सारे पोर्शंस कंप्लीट करा दूंगा, जैसे लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड इसका विस्तार कितना है, आईएसटी का, इसका आईएसटी कहां से होकर गुजरता है, ठीक है, जीएमटी से क्या इसका वास्ता है, बहुत सारी चीजें कल क्लियर करा दूंगा। तो अगले लेक्चर जो हमारा आएगा, तीसरा जो इसका लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम इसी से लेकर डिस्कशन चीजों को कर लेंगे बहुत अच्छे से, जिसमें भारत चीन विवाद, भारत नेपाल, जिसे सीपीईसी
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो लेकर विवाद चल रहा है उसको भी मैं समझा दूंगा, क्यों चाइना आपको लद्दाख में भारत को कोई भी काम करने नहीं दे रहा है, नेपाल के साथ क्या भारत का भी हाल ही में विवाद हो गया काली पत्तन वाला जो काला पानी का जो जगह था उसको लेकर, तो उन सभी चीजों को मैं बता दूंगा। हो सकता है इसमें जो हमारे बच्चे हैं वो पहले ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि टैलेंटेड टैलेंटेड छात्रों ने लिया है, इस समय पर टीचर को गाली भी देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके जैसा बड़ा और महान इंसान कोई नहीं हो सकता है। जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, जितनी गालियां गाली देनी है गाली दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन सब तैयार कर लेना, कल का लेक्चर आपको फिर 8 बजे मिल जाएगा, इस सारे के सारे चीजों को मैं कंप्लीट करा दूंगा। मेरा बस उद्देश्य ये था उस लेक्चर को भेजने का कि उस लेक्चर में मुझे वही पढ़ाना था, वही मुझे वही पूरा जो अलग ही नहीं बताता सीधे सीधे मुझे वही पढ़ाना था, इसलिए मैंने वो लेक्चर भेज दिया था कि इस लेक्चर को रिपीट करने से अच्छा मैं भेज दूं और उसकी जगह मैं अपनी दूसरी क्लास ले लूं जो मुझे बेहतरीन पढ़ाना है, तो मैंने इसलिए वो लेक्चर आपको भेज दिया था, ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, ये लेक्चर आपके पास गया, एंजॉय, थैंक यू वेरी मच, चलिए।